Welcome back, viewers. Viewers, we're going to discuss the role of minorities and the role of tribal areas people during the 1965 war. पहले मैंने role of minorities के वाले से और role of tribals के वाले से सर अवाम उन्नास को थोड़ा सा बताएं कि क्या हुआ था. देखिए, आज पहली बार ये रिकॉर्ड पर मैं बात ला रहा हूँ. सर, दैट्स माय प्रिविलेज. और सर, प्लीज वो चैनल और लेस देन 0.01% माइनॉरिटीज जो थे वो एज ऑफिसर्स लड़े हैं. बट द वे दे फॉट, इट वॉज मोर देन 20%. इफ यू लुक एट द ओवरऑल अवार्ड दैट द ब्रेवरी सिसिल चौधरी साहब है और इस तरह के लोग. वाओ. बट देर इज अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटीज जिनका लोगों को पता ही नहीं है. एंड दे आर आर स्टाफ जो आर्मी में पीछे सफाई का सुथराई का काम करते हैं. एंड दे गो टू वॉर विद अस, राइट? नॉट ओनली दैट, दे पार्टिसिपेट इन द बैटल एंड दे आर द लास्ट स्टैंड. जब यूनिट धर्म भरम हो जाती है, टूट जाती है, कर्नल साहब रह जाता है, उसके साथ दो एक अफसर, 10 जवान रह जाते हैं, तो जो पीछे 15-20 लोग होते हैं जो लांगरी और सफाई वाले होते हैं, ये वो लोग हैं. वाओ. ठीक. और एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पहले तो इनके क्रिश्चियन नेम होते थे, अभी इनके मुस्लिम नेम है. ठीक है. और हम उनको प्यार से काका मौसी बुलाते हैं जो उन्हें सीनियर होते हैं. ठीक. एक दिन मैंने खुद एज ए कमांडिंग ऑफिसर यूनिट में एक सर्वे कराया कि इस यूनिट में सबसे डेडिकेटेड कौन है. कैन यू इमेजिन हु वाज द मैन? काका मौसी. एंड काका मौसी वाज सपोज्ड टू बी आवर हेड स्वीपर, बट ही वाज नेवर कंसिडर्ड और एनी वन ऑफ देम एज अ स्वीपर. They would have their food with us. They would participate with us. Even when General Zia, God bless him, would come, they would be there. Hum Christmas manate the. We had one Christian with us in Saudi Arabia. One Christian and myself, Colonel Azam Qadri and a few other. Humne sir specially uske liye Christmas manai Saudi Arabia. Wow. So. This is what I want to clear. So this is the eye-opening program. Yes. For me. This is the eye-opening. What I want the people to hear कि ये जो हमारा एक है ना mindset, खासकर जो इंडिया ने डाला हुआ है, ये minority है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ऐसी बेटा कोई बात नहीं. ठीक सर. Everybody in the army, in the armed forces is Pakistani. And they're found as a Pakistani. Yes. And they are promoted. Christian officers have risen to the rank of a general. Wow. And he's commanded and he's fought the war. Wow. तो यहाँ पर वो चक्कर नहीं है. यहाँ पर सिपाहियों के बच्चे आर्मी चीफ बने हैं, आर्मी चीफ के बच्चे मेजर गार गए. ये इस फौज की स्ट्रेंथ है. सर, मुझे आप ये बताएं कि आपका ये जो प्रोग्राम है रोल ऑफ माइनॉरिटीज, क्योंकि आप खुद 10 स्टेट्स के बटन चीफ हैं, ये आप 7 सितंबर को करने जा रहे हैं मेरे ख्याल. जी जी. और सर कहाँ पे कर रहे हैं ये? इस्लामाबाद क्लब में. इस्लामाबाद क्लब के अंदर. और इस हवाले से आपका प्रोग्राम है रोल ऑफ माइनॉरिटीज. दो है, एक हम कायदे आजम गोल्ड मेडल दे रहे हैं फॉर एक्सलेंस. वाओ. जो पाकिस्तानी है या बैरून मुल्क के जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सख्त तौर पर हेल्प की है और कर रहे हैं, जबरदस्त, तो हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज सिविल सोसाइटी. इट्स गॉट नथिंग टू डू गवर्नमेंट. ठीक. अभी हम आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी, ये जो ट्राइबल ट्राइबल एज. ये उस वक्त आर्मी इतनी थी नहीं. स्वात से लश्कर आया, दीर से आया, ट्राइबल एरिया से लश्कर आया. दे ब्रॉट देयर ओन वेपन्स, देयर ओन फूड, देयर ओन एवरीथिंग एंड दे फॉट साइड बाय साइड. और कहा जाता है ट्राइबल सख्त जवान. यस. और दे फॉट और शहीद हुए. द ट्रेजेडी इज दैट दे हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड. नौजवानों पर, बुजुर्गों पर, बूढ़ों पर, जिन्होंने उस 1965 की जंग में इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज ब्रिगेडियर साहब की जुबानी इस चीज को हमने हाईलाइट कर. और आपको ये भी मैं बता दूं कि हम इसके ऊपर एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है
जितने भी हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उसके अंदर हम मॉन्यूमेंट्स बनाएंगे, जितने शहीद हुए अंग्रेजों के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ या टेररिस्ट के खिलाफ, उन सब के नाम लिखे जाएंगे, उनको रिकग्नाइज किया जाएगा, उन फैमिलीज को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दे आर द रियल हीरोज हु मेड दिस कंट्री। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अभी हयात है और आपका उनसे लिंक्ड है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो सर डेफिनेटली उस पर भी एक शो करेंगे आप। अच्छा सर, हमारे पास 5 मिनट आगे को मैंने कंक्लूड करना है। मेरा दिल तो कर रहा है कि आपसे कम से कम 1 घंटा और 2 घंटे और अभी बाजू, क्योंकि 1965 के हवाले से आपको पता है हम वैसे ही हमारी छाती 4 फुट चौड़ी हो जाती है। सर दो चीजें हैं, जल्दी से आपको उसमें कंक्लूजन चाहिए मुझे। एक ये कि 1965 की वॉर के बाद जब आप भी पाकिस्तान फौज में आए एज ए ऑफिसर और आपने सर्व किया एंड यू गॉट अ तमगा बसालत एंड माशाल्लाह 2 आर्मी चीफ रिकमेंडेशन अवार्ड्स, आपने फौज के अंदर इतनी खास खिदमात थी आपकी, उससे आपको 1965 से क्या आपको मिला, आपका क्या जज्बा हो गया, ठीक है, उसने कितने आपको सबक दिया कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी, एक। और दूसरा सर ये कि फाइनल कमेंट्स के आज तक के नौजवानों को मैसेज क्या दे सकते हैं, ये दो चीज़ें आपने बतानी है सर टाइम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब 71 में गर्मा गर्मी शुरू हो गई ईस्ट पाकिस्तान में, तो मैं छुट्टी चला गया स्वात। ठीक है। मेरी वालदा बहुत अजीम खातून थी, उनके वालिद फर्स्ट आईजी थे पाकिस्तान के। अच्छा माशाल्लाह। और मैं उनको मिलने गया स्कूल से, तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे ऐसे देख के ना, उससे कहा वो माशाल्लाह जवान हो गया है। और द नेक्स्ट वॉज और बगैरता तू अभी तक तूने फौज में नहीं अप्लाई किया, आई वाज ओनली सर। वाह। मैंने कहा अभी लड़ाई शड़ाई आ रही है, तो मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने और काम करना है, मुझे किधर, बाबा को तुमने फौज में हो गया धकेल के, अभी मुझे धकेल रही हो। उसने कहा बेटा मेरा दूध तुम्हें माफ नहीं है, मेरा दूध तुम्हें माफ नहीं है आर्मी। मैं सर वापस आया, आर्मी में अप्लाई किया, आई वाज 16 इयर्स एंड सम मंथ्स। व्हेन आई वेंट टू पीएमए आई वाज 17 इयर्स एंड 15 डेज। आप सोचे, हमें दुनिया का पता ही नहीं था, हमने ना ट्रेन देखी थी ना हमने गर्मी देखी थी, कुछ भी नहीं देखा था। उस जज्बे से हम फौज में चले गए, 3 महीने में मैं बटालियन एसईओ बन गया, इज अ रिकॉर्ड इन दिस आर्मी। 17 साल 15 दिन में मैं सेकेंड लेफ्टिनेंट हो गया, 18 साल में मैं फुल लेफ्टिनेंट हो गया, 19 साल में मैं कप्तान हो गया, 21 साल में मैं मेजर हो गया। अल्लाह। और सर, और अभी तक मुझे लोग मेजर ही गांव में कहते हैं, क्योंकि 14 साल फिर मैं मेजर ही रहा। अच्छा सर, आखिरी चाहते हुए आपसे जो आपकी एडवाइस नौजवानों के वाले से। यार मैं तो ज्यादा एडवाइस जो है ना, अगर आप इजाजत दें तो मोदी सरकार को करूंगा। करें सर, करें। देखिए मेरी जो एडवाइस है ना मोदी सरकार को, इंडियंस हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, जिधर भी दुनिया में आपको मिलेगा। ठीक ठीक है, ठीक। कोई आपका इतना दोस्त नहीं है जितना आपको इंडियन मिलेगा। ठीक। ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है मोदी, जो अपने मुल्क को भी तबाह करने पर तुला हुआ है। ठीक। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिल्कुल, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आज लड़ाई हो ना तो हम सब वापस बैटल फील्ड में होंगे, नॉट एज ब्रिगेडियर्स, नॉट एज जनरल, एज सीपॉयज, वी विल बी विद आवर रेजिमेंट्स, एज सीपॉयज, विद आवर वेपन्स, विद आवर ट्रेनिंग, वी आर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल किलर्स, एंड द इंडियंस हैव टू नो दिस। ठीक है सर, पंगा ला लें महंगा पड़ेगा, अपना भी मुल्क तबाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब। खातिर हजरात, जिस नौजवान की माँ ये कह दे अपने बेटे को कि मैं अपना तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी है, जाओ अपने मुल्क की हिफाजत करो, उसके नौजवानों को कौन शिकस्त दे सकता है। खौतिन हज़रात, योम दिफा हमारे लिए जज्बात को उभारने का दिन तो है ही, लेकिन आगे चलने वाली जिंदगी के अंदर ये उन दुश्मनों के लिए सबक है कि जब जब पाकिस्तान सरजमीन के ऊपर किसी ने मैली आंख से देखा भी तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। विश हैम्स साइनिंग ऑफ।